अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा तो कोरोना क्या कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती। ये बात मजीन क्षेत्र के रहने वाले द ग्रेट खली के नाम से विख्यात संसार सिंह राणा ने कही। राणा का कहना है कि सरकार ने सभी कारखाने तथा व्यापारिक राणा का कहना है कि सरकार ने सभी कारखाने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान तो खोल दिए, लेकिन शरीर को फिट रखने के लिए जो चीज सबसे अधिक जरूरी है, जिम, उन्हें खोलने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, जिससे इन संस्थानों को चलाने वाले लोगों में सरकार के प्रति रोष गहराता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं पर जब तक जिम नहीं खुलेंगे तब तक इस वर्ग के लोग जो कि जिम ट्रेनर का काम करके अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उन्हें अब दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किलों भरा लगने लगा है। राणा ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकाला जाए। नादौन क्षेत्र से खली के नाम से विख्यात 52 वर्ष की आयु के संसार सिंह राणा ने मुंबई से कोविड-19 पर संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारे हिमाचली भाइयों को भी चाहिए कि वे अपनी सेहत का ख्याल रखें तथा जरूरत के समय ही बाहर निकलें, क्योंकि मुंबई में इस समय जो हाल है उसके मद्देनजर कोरोना को हल्के में ना लें। उन्होंने इसके अतिरिक्त हरी सब्जियों का सेवन करने की भी सलाह दी। 52 वर्ष की आयु में आज भी 25 से 30 साल के युवा लगते हैं राणा। हिमाचल प्रदेश वासियों नमस्कार। आज मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष आया हूँ। आज हिमाचल सरकार से एक छोटी सी विनती आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस की जो भी एक्टिविटी है, स्पोर्ट है, उनको गाइडलाइन के द्वारा शुरू किया जाए, क्योंकि आज 4 महीने से कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, तो इससे जो प्रभाव पड़ा हुआ है हमारे जो दिमाग पे, जो दिमागी संतुलन आज जो स्थिति हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि जिम, फिजिकली एक्टिविटी, जितने भी स्पोर्ट हैं हिमाचल में, तो सबको गाइडलाइन द्वारा आदेश देके उनको शुरू किया जाए, क्योंकि हम हर चीज को चुनौती जब ही दे सकते हैं जब हम हमारा मानसिक संतुलन और शारीरिक बल एकदम संतुलित हो। और ये जो फिटनेस एक्टिविटीज जो भी है, इससे हमारा जेनेटिक स्ट्रांग होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा जो दिमागी सोचने विचारने का जो भी तरीका है वो सकारात्मक होता है, और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इस बीमारी को मुझे लगता आराम से हम मात दे सकते हैं। और दिमागी संतुलन और शारीरिक बल जब दोनों मिलते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना बहुत आराम से कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारा हिमाचल कोरोना मुक्त हो, और आज जो सबको इतनी जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है रोजी रोटी के लिए सब कुछ, तो सबके काम काज रोजी रोटी चल पड़े, तो कृपया करके हिमाचल प्रशासन से यही आवेदन है कि ये जो मेरे छोटे से विचारों को इनके ऊपर गौर किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।